इस वीडियो में सारी गेम्स एक नूब के द्वारा खेला गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयान। आज मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेके। सो आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ फ्री टू प्ले गेम्स एक RTX 2060 में टेस्ट करके दिखाने वाला हूं और कुछ बातें भी करने वाला हूं इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको पसंद है गेमिंग पीसी रिलेटेड कॉन्टेंट, तो एक बार मेरे चैनल को प्लीज़ चेकआउट करना। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी चलते हैं पहले गेम की तरफ। जो पहला गेम हमने टेस्ट किया है वो है फोर्टनाइट। गाइज, मैं बहुत ही नूब हूँ तो उस बेसिस में मुझे गाली मत देना आप कमेंट सेक्शन में। आप जस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्टनाइट को मैंने 1080p हाई सेटिंग्स पे ट्राई किया है और मैंने FPS लिमिटर को भी अनलिमिटेड पे सेट करके रखा है। गाइज, मुझे फोर्टनाइट खेलते वक्त 140 प्लस का एवरेज FPS मुझे मिल रहा था। सो अगर आप एक 2060 को 3000 सीरीज या फिर 5000 सीरीज CPU के साथ यूज़ करोगे तो आपको इससे भी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अभी जो दूसरा गेम मैंने टेस्ट किया है वो है वैलोरेंट। इंटरनेट पे अगर आप RTX 2060 वैलोरेंट बेंचमार्क्स को सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको 200 प्लस FPS मिलने वाला है, लेकिन केस ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने इस गेम को 1080p फुल हाई सेटिंग्स पे खुद टेस्ट करके देखा है दोस्तों, मुझे 170 के आसपास ही FPS मिल रहा था। लेकिन उससे दोस्तों कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। मेरे पास एक 144Hz का ही रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर है तो मुझे वैसे भी 144 फ्रेम्स ही दिखने वाला है। एज लॉन्ग एज ये 144 FPS से ज़्यादा दे रहा है उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो आप सिर्फ 30 FPS पे देख रहे हो क्योंकि मैंने YouTube वीडियो को 30 FPS पे अपलोड किया है। अभी जो तीसरा गेम मैंने टेस्ट किया है वो है Apex Legends। दोस्तों, मुझे Apex Legends में मैच ही नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। और मुझे वैसे भी खेलना आता नहीं है, अगर आप मुझे सिखाना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस गेम को भी मैंने 1080p हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया है और मुझे एवरेज FPS ऑलमोस्ट 130-135 के आसपास मिल रहा था। अभी जो चौथा गेम मैंने टेस्ट किया है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन। क्योंकि ये थोड़ा सा GPU डिमांडिंग गेम है, मैंने इसको नॉर्मल प्रीसेट में टेस्ट किया है और मुझे नॉर्मल प्रीसेट पे इस गेम में ऑलमोस्ट 95 FPS के आसपास मिल रहा था। सो दोस्तों, अभी आप ही डिसाइड करोगे क्या अभी भी एक RTX 2060 केपेबल इनफ है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ नीचे। अगर आप मुझसे पूछोगे ये सवाल तो हाँ दोस्तों, मेरे लिए तो RTX 2060 अभी भी केपेबल इनफ है क्योंकि मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से। एटलीस्ट जब तक एक र्यूमर्ड RTX 3050 लॉन्च नहीं हो जाता है और प्राइस भी अगर उसका 30,000 के नीचे नहीं होता है तो इस बजट में आपको RTX 2060 ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है। इससे बेटर आपको नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट इस बजट में तो नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली ना दोस्तों, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको एक 2060 सुपर लेना है तो आपको ऑलमोस्ट 35-34,000 के आसपास पे करना होता है, और अगर आप एक 3060 Ti लेने के बारे में सोच रहे हो तो वो तो आपको मिलने नहीं वाला है अभी फ़िलहाल, और अगर मिल भी जाए तो वो भी 40-42-45,000 के आसपास ही वो मिलेगा। तो बजट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है 2060 और 3060 Ti में, बहुत ही ज़्यादा बजट डिफरेंस है। उस प्राइस में आप एक 1650 सुपर एक्स्ट्रा ले सकते हो। अभी हम लास्ट गेम को टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट गेम जो मैंने टेस्ट किया है वो है CS:GO। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पुराना गेम है सो इसमें आपको FPS बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा नॉर्मल गेम से। जब मैं खेल रहा था तब मुझे ऑलमोस्ट 210 से लेके 300 तक फ्लक्चुएट कर रहा था FPS, सो वो बहुत ही बड़ा एक रेंज है एक्चुअली। तो अगर आपके पास एक 240Hz का मॉनिटर है तो आप इस गेम को आराम से 240 FPS पे ही खेल सकते हो। तो दोस्तों, वापस बात कर लेते हैं 2060 के बारे में। आप लोग ही मुझे बताओ कि अगर आपके पास 25 से लेकर 30,000 का ही बजट है अभी के टाइम पे, आप क्या ही लोगे। मैं ये ग्राफिक्स कार्ड खुद यूज़ करता हूँ दोस्तों और मैं सारे गेम्स को ही ऑलमोस्ट हाई से लेके अल्ट्रा सेटिंग्स पे ही खेलता हूँ। मैं RDR2 जैसे बहुत हाई GPU डिमांडिंग गेम भी खेलता हूँ, सो मुझे कोई लैग या स्टटरिंग फील तो नहीं होता है गाइस। तो अगर आपके पास बजट का इशू है तो आप एक 2060 अभी के टाइम पे आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप 3060 Ti या फिर 2070 के साथ जा सकते हो। मैंने मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया है गाइस, सो अभी आप ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कि आपको 2060 अभी के टाइम में लेना है कि नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।